वीडियो शुरू करने से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि आप लोगों में से जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 20% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब्ड है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आपको मैं विनती करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यह आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरे लिए आपका जो प्यार है मेरे कंटेंट के प्रति वो दिखाता है, जो कि मुझे ऐसे और अच्छे कंटेंट बनाने में और प्रेरित करते हैं। तो चलिए अभी वीडियो पे लॉन्च चलते हैं। तो अभी गॉल डच फोर्ट के इधर घूम रहा हूँ और कोई लाइट नहीं है तो कुछ दिख भी नहीं रहा। तो एक मज़ेदार बात हुआ, इधर एक होटल है गॉल फोर्ट में, तो मैंने उनसे ऐसे इंग्लिश में बात कर रहा था कि सर खाना है तो कहाँ जाऊँ। तो बोले कहाँ से हो, इंडिया? मैं बोला हाँ सर। बोले मैं भी तो इंडियन हूँ, हिंदी में बात करो, इंग्लिश में क्यों बात करो। मैं बोला मुझे कैसे मालूम होगा सर। बोले खून खून को पहचानते हैं ना, मुझे तो पहचान आ गया तो आप इंडिया से हो। बोला सही है सर। फिर बोले कि ये जो वो होटल में उन काम करते हैं उधर मत खाओ क्योंकि बहुत ही महंगा है। तो बोले कि सीधा चले जाओ, इधर रेस्टोरेंट्स है और ये थोड़ा बहुत सस्ता आएगा, रिजनेबल आएगा। तो मैं बोला थैंक यू सर, फिर निकल आया, अभी जा रहा हूँ। तो ऐसे ही बात कर रहा था उनसे और अच्छा लगा, बहुत दिन बाद किसी से हिंदी मतलब किसी के साथ हिंदी में बात किया तो अच्छा लगा। और लाइट का बहुत ही कमी है इसलिए दिख भी नहीं रहा होगा आप लोगों को। ऐसा है, पीछे देख पा रहे हो ऐसे फोर्ट में रास्ता है, इधर उधर जा सकते हो आप। ये कमर्शियल बैंक है, पुराना बिल्डिंग वैसा दिख रहा। तीन बजे बंद हो जाता, तो अगर आपको बैंक का कुछ काम है तो 3 बजे से पहले आना है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ है, मैंशन मैंगो हाउस रेस्टोरेंट इस तरह है। हेरिटेज होटल आपका इस तरफ है, इधर भी थोड़ा बहुत महंगा है बोल रहे थे सब कोई, तो देखते हैं कहाँ खाऊंगा। ये फोर्ट बाजार है कुछ, ऐसे ही गोल्फ फोर्ट के इधर घूम रहा हूँ और इधर आपको एक डच वाइब आएगा और मस्त जगह है, दोनों तरफ रेस्टोरेंट है छोटा छोटा, अगर आपको कुछ खाना है तो खा सकते हो और लाइव म्यूज़िक हो रहा है तो एक अच्छा फीलिंग है। अभी देखना पड़ेगा कहीं कोई जगह कार्ड एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि कार्ड का ही है दिक्कत मेरे पास, मतलब वही है दिक्कत मेरे पास, सिर्फ कार्ड ही है, कैश नहीं है। Drink plenty of water for this seat. Beer is made up of 70% water. ये मस्त लिखा है। तो जो रेस्टोरेंट में मैं खाने का सोच रहा था वो तो हो गया बंद, शायद दिख नहीं रहा रेस्टोरेंट। अभी एक रेस्टोरेंट दिखा तो उधर ही देख रहा हूँ कि श्रीलंकन फूड मिलता है कि नहीं। तो ये ही शायद मेन स्ट्रीट है जहाँ सब खाने का दुकान है। तो मैं उधर गया था, पूछा कि श्रीलंकन फूड खाना है मुझे, तो बोले कि उस तरफ तो कुछ नहीं है, इस तरफ ट्राई करके देखो सर। तो फिर से घूम घाम के इस तरफ ही आ गया।
देखता हूँ मिलता है कि नहीं कुछ खाने का, उधर जाता हूँ। अभी ये बैस्टिल रेस्टोरेंट बोल के एक जगह है, उधर आ गए और क्रैब लेना था, लेकिन क्रैब सिर्फ 1 kg है तो चिकन ले लिया और एक बियर। इसके बाद रूम में जाना है तो अभी देखते हैं। और मेरा डेटा कार्ड भी होने वाला है फुल, तो कल के लिए ही टाइम जगह बचा है, फिर जाके एडिट करना पड़ेगा, वही देख रहा था। तो ये कुछ खाना है, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन ठीक है। तो करता हूँ डिनर, फिर बात करते हैं आपसे। The next day. मॉर्निंग दोस्तों, अभी बजे सुबह के 8 और 10:30 बजे को बस आएगी, 10 नहीं। तो अभी उठ के थोड़ा सोच रहा हूँ, देखने जाऊँ कि ब्रेकफास्ट का कुछ अरेंजमेंट मिलेगा कि नहीं। तो अगर कुछ ब्रेकफास्ट मिल जाए तो ब्रेकफास्ट कर लूँगा। ऐसे ही निकल रहा हूँ आसपास, देखता हूँ होपफुली कुछ मिल जाए। तो ऐसा कुछ नज़ारा है वो रोड का जहाँ मैं रुका हूँ। विला का नाम है गिंग व्यू विला और मुझे अच्छा खासा रेट में मिल गया, 1200 पर नाइट विद एसी और फ्रिज विद सब है, तो वो थे ठीक है। तो इधर एक ओयो है, उधर आया था देखने के ब्रेकफास्ट मिलेगा कि नहीं। ओयो तो भाई लॉक्ड है, मालूम नहीं बंद हो गया कि नहीं, तो देखता हूँ थोड़ा आगे जाके देखता हूँ अगर कुछ मिले तो, नहीं तो लौट आऊंगा। भाई ने बताया कि 1 किलोमीटर चले जाओ सामने तो उधर कोई दुकान है, आर्टिम नहीं कुछ एक नाम बताया, भूल गया मैं। तो उधर आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा और कार्ड भी एक्सेप्ट करेंगे, तो देखते हैं उधर जाके कोशिश करके देखता हूँ। तो इधर मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि आपने उधर जैसे हर रास्ते में ब्रेकफास्ट जॉइंट मिल जाता आपको, इधर वैसा सीन नहीं दिख रहा, उतना खास ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा। तो और कोई ऑप्शन तो नहीं दिखा, तो इसीलिए राइस दाल और कोकोनट सांबर ऐसा कुछ मिल रहा था 220 में जो मेरे पास था, तो वही ले लिया। वही खा लेता हूँ हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं हल्का खा लूँगा, फिर तो कोलंबो में जाके लंच अच्छा करना ही है आज, और डिनर रात को होगा शायद कैसीनो में, इंक्लूडेड होना चाहिए। तो देखते हैं, और अभी टाइम है कितना देखता हूँ, 1:27, तो अपन का बस है 10:30 को, कॉल जो स्टेशन है उसके ऑपोजिट, तो निकलूँगा 10 को निकल जाऊँगा ताकि 10:15 तक पहुँच जाऊँ, और उधर जाके थोड़ा वेट कर लूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कुछ लिया है ब्रेकफास्ट के लिए, दाल कोकोनट सांबर, ये मालूम नहीं क्या मिक्स वेज टाइप कुछ है, तो यही खा लेते हैं फिलहाल। तो दाल चावल खा लिया, तो बहुत ही सस्ता है भाई, 220 लगा, जो कि अपने उधर 60 रुपये के बराबर होगा। उसमें आपको मिल जाएगा दाल चावल, गरम गरम चावल उसके साथ एक वेज आइटम और कोकोनट सांबर। तो ये कोकोनट को काट के ऐसा मतलब चटनी टाइप नहीं, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, मिंस जो होता है इंग्लिश में,
हिंदी में मुझे मालूम नहीं क्या बोलते, ऐसा मीन्स कोकोनट को कुछ किसी में मिक्स विक्स करके अच्छा लगता, थोड़ा सॉल्टी सॉल्टी टेस्ट है। तो अभी खा के जा रहा हूँ रूम के तरफ, रूम में जाके थोड़ा रेस्ट करके फिर 9:30-10 तक निकल जाऊँगा। तो भाई लोग हो चुका ऑलरेडी, तो अपना बस है 10:30, अभी बजा है 10, तो उबर बुक कर लिया है, वेट कर रहा हूँ, आने दीजिए फिर निकलता हूँ बस स्टैंड के लिए। तो फिलहाल यही बात है जो है, और फिर कोलंबो जाते हैं, कोलंबो जाके अपना रूम दिखाता हूँ। आज ही होने वाला है मेरा लास्ट डे, कल तो निकल जाना हूँ श्रीलंका से, तो आज जाएंगे थोड़ा कैसीनो, तो चलिए बेलीज कैसीनो में लेके चलूँगा अब शाम को आपको, और दोपहर में देखते अगर कुछ अच्छा जगह खाने जाऊँ तो वो भी दिखाऊँगा आपको। तो बैठ चुका हूँ बस में और निकलते हैं कोलंबो के लिए, जो कि होने वाला है मेरा लास्ट दिन श्रीलंका, कल निकल जाना हूँ। तो ये होने वाला है कुछ आज का स्टे मेरा, ये थोड़ा बहुत थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, किचन विचन सब है इसमें, किचन यूटेंसिल्स जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा, और ये तो लॉक्ड है मालूम नहीं है क्या है, ये एक रूम है, ये कॉमन एरिया, ये एक वॉशरूम है, और एक रूम है। तो बस इतना ही है जो है, और इसका मुझे पड़ा 2200 रुपीस INR में, तो ठीक ही है। तो भाई लोग अभी 8:30 निकलूंगा, 8:30 निकलूंगा कैसीनो के लिए, जो जिस दिन का इंतजार था मुझे, तो वो घड़ी आ गई ऐसा बात है। तो फाइनली निकलूंगा कैसीनो के लिए 8:30। और एक मस्त बात हुआ आज भाई, कि मैं बस में आ रहा था गोल टू कोलंबो, तो उस बीच एक ग्रैंडमा मिल गई मुझे, तो अचानक वो बोली कि क्या करते हो, तो मैंने बोला मैं IT में हूँ, इंडिया में रहता हूँ, तो वगैरह वगैरह, तो बोली कि उनके पोती के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और मुझे वो बहुत ही पसंद आ गए, तो मुझे अपना पिक्चर भी भेज दे बोला, तो मैं और क्या करता, उनको निराश नहीं करना चाहता, तो मैं अपना श्रीलंकन नंबर से भेज दिया। तो ये मस्त एक बहुत ही क्यूट सा इंसिडेंट हुआ, तो यही बताना था आपको। तो मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही ऑकवर्ड, लेकिन ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, दिखता हूँ हैंडसम तो क्या करूँ। A few moments later. तो भाई लोग कैसीनो के लिए हो गया रेडी, तो कैसीनो में प्रमोट तो नहीं करता, क्योंकि गैम्बलिंग किस प्रमोट करना भी नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि इसमें आप अपने घर परिवार सब कुछ खो सकते हो, ऐसा नशा है ये वाला। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर कहीं जा रहा हूँ और उधर कैसीनो है, तो 2-3 हज़ार अपने इंडियन करेंसी में अलग रखता हूँ, तो उतना ही खेलूँगा, जीतूँगा हारूँगा, तो बस एक्सपीरियंस के लिए जाता हूँ। तो अगर आप भी कर रहे हो तो एक्सपीरियंस के लिए जाओ, ऐसा मत करो कि पूरा एकदम सब लुटा दो, वो बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरा है, वो नहीं करना चाहिए, फिर से बोलूँगा वो नहीं करना चाहिए। तो मैं भी जस्ट जा रहा हूँ, अभी कुछ देर में निकलूँगा, इधर बेलीज कैसीनो है, तो वो एक्सपीरियंस करना है मुझे कि कैसीनो कैसा है, क्या एटमोसफियर है इधर का, क्योंकि मैं लास्ट कैसीनो गया था मलेशिया में और वो अच्छा था, लेकिन डांस वांस या फूड ड्रिंक्स कुछ तो नहीं था। तो इसमें देखते हैं क्या क्या अलग है, क्या नयापन मिलेगा, क्या होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए मेरे साथ
बेलीज कैसीनो में। ऑन द वे हूँ कैसीनो के लिए, जाके देखते हैं, लक आजमाते हैं। व्हाट्स दिस सर? दिस टावर? या लोटस टावर। लोटस टावर? या यू कैन गो टू द ऑब्जर्वेशन डेक। नो नो, यू कैन गो एनीवेयर। यू कैन गो। हाउ मच इट कॉस्ट? आर यू फॉरेनर? यस। 500। ओके, अगर आप फॉरेनर हो तो 500 कॉस्ट करता है। यू कैन गो टू द ऑब्जर्वेशन टावर, उधर से पूरा कोलंबो का व्यू मिल जाएगा आपको। नाउ इट्स क्लोज्ड। या नाउ आई एम नॉट गोइंग। जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज दिस टावर। इट लुक्स लाइक द केएलसीसी टावर ऑफ मलेशिया, लुक्स काइंड ऑफ सिमिलर। Sorry? You want to see that? It's already behind, right? Okay. It's okay, I'll go to the casino. Yeah. Casino's there. Casino this side? Yeah. Okay. Nearly pahunch gaye casino. Are you from India? Yeah, from India. This one? ये है बेलीज कैसीनो। तो भाई कल एयरपोर्ट आया, कैसीनो में अच्छा खासा दिन गया, जीता कुछ कुछ हारा, फिर लास्ट में सब हार गया। तो ठीक है, हार जीत तो रहता है। तो 10,500 लेके गया था इधर के करेंसी, और फाइनली लास्ट में मेरे पास था 25-26। फिर मैंने सोचा और बैठ लेते हैं और पूरा हार गया। अभी निकल पड़ा हूँ एयरपोर्ट के लिए, तो ये ट्रिप मेरा श्रीलंका का इधर ही हो रहा है ख़त्म। जाने में तो बुरा लग रहा है, लेकिन चलो अभी कुछ नहीं कर सकते, शाम पे लौटना है फिर से, तो फिर ऐसा ट्रिप और कर पाएंगे। ठीक है चलो। तो श्रीलंका का एग्ज़िट टाइम लग चुका है, तो ऑफिशियली कर रहा हूँ श्रीलंका को एग्ज़िट। अभी कुछ देर में फ्लाइट है मेरा, तो उससे पहले थोड़ा खाना ले लिया है, बहुत भूख लग गया था, सुबह से खाया नहीं कुछ। और ये एक अच्छा ट्रिप था, मज़ा आया, बहुत ही मस्त कंट्री है, तो आपको ज़रूर आना चाहिए, प्लान करो। और मेरा टोटल बजट मैं आपको सब इंडिया लौट के पूरा हिसाब से बताता हूँ कि इसमें कितना खर्चा आया। फिलहाल खा लेता हूँ। तो लैंड करके सब कंप्लीट हो गए, बस में बैठ चुका हूँ। तो ये ट्रिप बहुत ही मस्त था, लेकिन थोड़ा बहुत हेक्टिक भी था। तो हेक्टिक तो होगा ही, क्या कर सकते हैं अभी, जब घूमने जाए तो हेक्टिक तो होगा, कुछ नहीं कर सकते। और मस्त लोग मिले, मस्त कंट्री है, जाना चाहिए आप लोगों को। और मेरा टोटल बजट लगभग सब मिला के अराउंड 45 तक आया, और इसमें मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे ही खर्चे किए जो शायद आप अगर ना करो तो 35 में आराम से आपका हो जाएगा।